गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में स्टडी की थी और प्रिज्म से रिलेटेड रिफ्रैक्शन फार्मूला को ड्राइव किया था. सो नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर मूविंग अहेड फॉर न्यू टॉपिक्स दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के 12th CBSE में, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो दैट माइक्रोस्कोप विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो एंड सम अदर telescopes also. So basically a compound microscope is a combination of two converging lens, okay, and this type of microscope is available in your biology lab. It is basic compound microscope or used in most of the laboratories also. तो इस microscope में दो converging lens होते हैं, एक जिसकी focal length छोटी होती है, एक जिसकी focal length थोड़ी सी ग्रेटर होती है. सो स्मॉल फोकल लेंथ के लेंस को हम ऑब्जेक्ट लेंस की तरह यूज करते हैं. सो सपोज देयर इज अ टू लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज आईपीस. सो आईपीस लेंस को आईपीस कहने की वजह यह है कि ये वो लेंस है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं. सो दैट इज, ये हमारी आंख के पास लेंस लगा हुआ होता है किसी भी माइक्रोस्कोप में, इसीलिए इसको आईपीस कहा जाता है. सो देयर इज टू लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव अदर इज आईपीस. और ये कोलिनियरली एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में फिट होते हैं. सो सपोज दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड अ पोल आर ऑप्टिकल सेंटर, बेसिकली पी ओ एंड पी ई, एंड एफ ओ इज द फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. एंड सिमिलरली टू टाइम्स ऑफ एफ ओ, टू टाइम्स ऑफ एफ ओ आर गिवन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. बिल्कुल ऐसे ही अगर हम आईपीएस के लिए भी एज्यूम करें तो आईपीएस के लिए भी अपनी उसकी फोकल लेंथ होगी एफ ई, फोकस पॉइंट होगा एफ ई. सपोज ए बी इज एन स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक माइक्रो साइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्लाइड हो सकती है जो आप यूज करते हैं अपने बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में. तो ये वो एक छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसको स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है. सो दिस इज एन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाता है वो इमेज आई पीस यानी जो हमारा आई लेंस है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है. सो सपोज देयर इज अ रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड फाइनल एन इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस. तो ये जो इमेज ए डैश बी डैश बनी है, ये इमेज ए डैश बी डैश हमारे आई लेंस के लिए, आई पीस लेंस के लिए, या हम कहें ये जो सेकंड लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है, अपर्चर ग्रेटर है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है. एंड देन फाइनल इमेज वर्चुअल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट कुछ ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म हो जाती है. तो ये एक बेसिक रे डायग्राम स्ट्रक्चर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और हमारा इसमें जो टारगेट होता है वो होता है इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना, या जिसे मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं. तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें मिलता है बीटा और अल्फा एंगल्स के रेशियो से. ठीक है, जो भी हमें मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी एम, वो इक्वल होगी बीटा और अल्फा के रेशियो से. अब यहाँ पर बीटा क्या है, अल्फा क्या है, दीज आर आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. So basically beta is the angle formed by image on eye and alpha is also angle formed by object on the eye when object is placed at the least distance of distinct vision. आप लोगों ने 10th standard में पढ़ा होगा कि एक स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, जो least distance of distinct vision है, वो एक healthy eye के लिए 20 to 25 centimeter होती है. Ideally देखा जाए तो 25 centimeter होती है. सो इसमें जो हमारा फाइनल इमेज बनती है, जो ए डबल डैश बी डबल डैश बनी है, ये बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कैपिटल डी डिस्टेंस पर बनती है आंख से. इधर हमारी आंख आई होती है, ठीक है, दिस इज आई. तो हमारा जो पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस बेसिकली इस मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करना है. इसके लिए एक एक्सप्रेशन हमको ड्रॉ करना है और उसी तरफ हम लोग अपना जो है काम आगे बढ़ाते हैं. अब इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ आपको ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख ही रहे होंगे. तो
तो अगर हम बीटा और अल्फा की बात करें, तो ये जो एंगल बना ए डबल डैश बी डबल डैश ने, ये जो एंगल बनाया, ये एंगल आपका बीटा है, और हमने इसी पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट एक हाइट अज्यूम कर ली है ए ट्रिपल डैश ए डबल डैश। ये हाइट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल वही हाइट है, वही वैल्यू है जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है। यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम इमेज की पोजिशन पे ले आए, उस पोजिशन पे ले आए जहां पर हमारी फाइनल इमेज बन रही है, तब ये जो एंगल फॉर्म करेगा आंख के ऊपर, वो एंगल हमारा अल्फा कहलाता है। तो बेसिकली हमें इस बीटा और इस अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और फिर उनका रेशियो ले लेना है, और इस तरह हम मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए तरीका भी बड़ा सिंपल है। अगर हम स्मॉल एंगल्स की बात करें तो ये जो बीटा और अल्फा है, इनका रेशियो नियरली 10 बीटा और 10 अल्फा के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। और अगर हम 10 बीटा की जहां तक बात करें, 10 बीटा, तो 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम अगर आप देखें तो ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो परपेंडिकुलर है, और ए डबल डैश पीई ये बेस हो जाएगा इस बीटा एंगल के लिए। तो हम यहां पे ये यूज कर सकते हैं, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश, सॉरी ए डबल डैश बी डबल डैश एंड ए डबल डैश पीई, ए डबल डैश पीई। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू हो गई हमारी 10 बीटा के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आप 10 अल्फा के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 अल्फा के लिए हो जाएगा ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश, ए ट्रिपल डैश ए डबल डैश, ए डबल डैश डिवाइडेड बाय बेस, बेस मींस ए डबल डैश पीई, ए डबल डैश पीई। तो अगर आप इन दोनों की वैल्यूज को यूज करेंगे तो देखेंगे कि बेस चूंकि दोनों में ही सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और कुछ आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। अगर आप वैल्यू इनकी रखें तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश पीई टाइम्स ए डबल डैश पीई बाय ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश। तो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी और जो आपको फाइनल रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीफाइंग या एम इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। अब अगर इसमें हम ए डैश बी डैश से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दे तो आपको बड़ा ही सिंपल और बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर सा एक रिलेशन मिलता है। आप देखें कि ए डैश बी डैश है क्या, ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज मेड बाय ऑब्जेक्ट लेंस, और ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये दो कॉम्बिनेशन, इन दोनों ने कॉम्बिनेशन, इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉम्बिनेशन से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा मैग्नीफाइंग में या मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। बिल्कुल ऐसे ही ए डबल डैश बी डबल डैश ऑब्जेक्ट का काम करता है आईपीस के लिए, यानी ये ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगी आईपीस की, और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, नथिंग बट द हाइट ऑफ फाइनल इमेज। यानी फिर से हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो एम इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई, ये एक मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला यहां पर मिल जाता है। अब हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले जो हमें लेंस के लिए पता है वी बाई यू, उनकी अलग अलग वैल्यूज यूज करके जितना चाहे उतना मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एक की वैल्यूज को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यूज को यूज करके अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग फॉर्मूले मैनिपुलेट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो एक बार मैं इन सारी ये जो रिटन इसको हटा देता हूं ताकि आप क्लियरली, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें रे डायग्राम का। चलिए, सो सपोज देयर इज अ डिस्टेंस इज एल बिटवीन द लेंसेज, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है नियर द ऑब्जेक्ट, एंड आईपीस इज द कन्वर्जिंग लेंस थ्रू विच वी कैन सी द फाइनल इमेज, और जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्ट लेंस की छोटी होती है कंपेयर टू आईपीस। सो नाउ
इफ वी कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, सो बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई एंड द एंगल अल्फा सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन व्हिच आई हैड टोल्ड यू अर्लियर. फॉर्मूला वही है, एम इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा. तो बीटा अल्फा के लिए 10 फंक्शंस यूज करते हैं, सो मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा. ये वही डेरिवेशन है जो भी मैं आपको बता चुका हूं, कर चुका हूं. सो जो पोजीशन है, जो बेस पोजीशंस है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी. आप ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के टर्म में निकाल लेते हैं, दैट इज कैपिटल एम इक्वल्स टू एम ई इंटू एम ओ. अब ME value is 1 minus VE upon FE for eyepiece and value of MO is BO upon minus UO. तो इन दोनों values को ही आप use कर लेते हैं, use कर लीजिए और आपको final magnification formula मिल जाएगा, that is M equals to minus VO by UO times 1 plus D over FE where D is 25 centimeter. तो ये एक एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए. सो सिंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द इमेज इज फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू द आईपीस, इन दैट केस यूओ इज टेंस टू एफओ एंड वीओ इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एल. सो इन दैट केस दिस फॉर्मूला कैन बी टर्म्ड इन एम इक्वल्स टू माइनस एल बाई एफओ एंड 1 प्लस डी बाई एफई. So this is the whole about the idea of compound microscope and angular magnification and magnifying power. So you can take the screenshot in the middle of this video. So you can note down the method of deriving the formula. Now moving on the next topic, which is an astronomical telescope. So there are two type of astronomical telescopes of refractive type we have. The one at which we found the image at infinity, and the other is when image is not at infinity, it will be between the object lens and eyepiece. तो पहले हम ये इमेज जो इन्फिनिटी पर जब फॉर्म होती है उस कंडीशन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए ड्राइव कर रहे हैं. सो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है. ये ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यही बेसिक डिफरेंस भी होता है, दैट व्हाइल ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ एंड आईपीस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप्स, बट इन केस ऑफ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द लार्जर फोकल लेंथ एंड आईपीस इज ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ. सो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. नाउ so suppose this is the principal axis of lenses, PO and PE are the optical centers, and suppose there is a focal length FE and FO. So if the light's rays coming from infinity to the objective lens, then the image is formed at FE. So if this whole thing is rays if again passing through the eyepiece, so final image jo hai wo aapki infinity par कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाती है. अब यहाँ पर भी आप मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं, यहाँ भी आपको सेम चीज ही फॉलो करनी है, आपको बीटा और अल्फा के एंगल्स कैलकुलेट करने हैं. सो इफ एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड एल इज द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज एफ ओ प्लस एफ ई. तो ये कंडीशन है कि इन्फिनिटी पर इमेज कब बनती है, अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की जो टोटल वैल्यू है, जो उनका सम है, वो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो, उस केस में एफ ई और एफ ओ एक ही पॉइंट पर, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकस ऑफ आईपीस एक ही पॉइंट पर होते हैं. सो उस केस में ये इस टाइप की कंडीशन बनती है, इस टाइप की इमेज बनती है जब इन्फिनिटी पर इमेज होगी. तो ऐसे में मैग्निफिकेशन निकालना और थोड़ा आसान हो जाता है. सो बीटा अपॉन अल्फा इज क्वाइट इजी, दैट एफ ई अपॉन आई इज परपेंडिकुलर इन केस ऑफ आई पीस एंड एफ ई टाइम्स पी ई, एफ ई पी ई इज द बेस. सो सेम थिंग विल बी हैपन, फोकल लेंथ फॉर मैग्निफिकेशन दैट इज एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा. सो एंगल आर स्मॉल, 10 बीटा बाई 10 अल्फा विच इज नियरली इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फा,
So m equals to fe by I by PEFE upon FEI divided by P or FE. So जो बेस है वो दोनों में फिर से कैंसिल हो जाएगा और FEI जो है वो बेसिकली L है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज. तो जो मैग्निफिकेशन है वो आपको सिर्फ फोकल लेंथ के रेशियो में मिल जाता है, दैट इज माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई. सो दिस पर्टिकुलर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज क्वाइट ईजी एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल टू एल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. नाउ दिस इज द अनदर टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. द ऑब्जेक्टिव एंड आई पी सीज आर द सेम बट द पोजिशन ऑफ इमेज इज डिफरेंट. ठीक है, इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो सपोज द लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी मेड एन इमेज एफ ओ आई, इमेज आई एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस. The image made by objective lens is worked as an object for eyepiece. ये मैं हम लोग compound microscope में भी पढ़ चुके थे कि जो primary lens होता है जो object के साथ सबसे पहले सामना करता है, जो सबसे पहला lens होता है उससे बनने वाली image second lens के लिए object का काम करती है. So the image eye will worked as an object for eyepiece. जिस वजह से final image least distance of distant vision पर ए बी हाइट की आपको बनकर मिल जाती है. यहां भी प्रोसीजर वही है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंगल बीटा एंड अल्फा एंड देन वी विल टेक द रेशियो एंड देन वी कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन पावर. सो सपोज दीज आर अल्फा एंड बीटा. सो इट हेयर इज ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू ड्राइव हेयर इट इज वेरी इजी दैट एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा एंड एम इक्वल्स टू बीटा. बीटा इज दैट इज A by B or FO by I, you can take anything, but if you take this AB, so perpendicular AB by base APE divided by alpha. Alpha is PO FO. देखिए alpha ये angle है, ठीक है, alpha ये angle है PO FO perpendicular, या फिर हम इसे लिख सकते हैं FOI perpendicular FOI upon base. Base means FOPO. So again, base in it is also it can be taken same because beta angle यहाँ भी है, beta angle यहाँ भी है. हम यहाँ पे FOPO इसके लिए भी use कर सकते हैं. उस समय हमें height एफ ओ आई लेनी पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो उस बेस पर भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. सो इन दैट केस इफ यू वॉन्ट टू ड्राइव दैट होल फॉर्मूला सो मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू बीटा बाई एल्फा. सिंस एंगल्स आर स्मॉल सो एल्फा टेंस टू टेन एल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू टेन बीटा. देन एम इक्वल्स टू टेन बीटा बाई टेन एल्फा एफ ओ बाई आई बाई पीई एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ आई बाई पी ओ एफ ओ. तो फिर से वो चीज कैंसिल हो जाएंगी बेसिस एंड द फाइनल इमेज फाइनल मैग्निफिकेशन विल इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस कैन बी टेकन. अब इस फॉर्मूले में आप मैनिपुलेशन करना है तो ऑफकोर्स आप लेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. अगर आपको यूई को रिप्लेस करना है तो यूई को एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एफ ओ को रिप्लेस करना है तो आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. जितना मैनिपुलेशन आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपनी राय बताऊं तो मेरे हिसाब से आप उतना ही मैनिपुलेशन कीजिए जितना मैनिपुलेशन आपके लिए नेसेसरी. बेसिकली कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी. जब आप इनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाती है. कभी कोई वैल्यू दी होगी, कभी कोई वैल्यू दी होगी, तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना आना चाहिए. ये ध्यान रखिएगा कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले जो यहाँ पर आप लोगों को बताए जा रहे हैं या आप लोगों की बुक्स में जो लिखे हुए हैं वो सही है, वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है कि अगर ये चीज दी है तो ऐसा ऐसा फॉर्मूला लगा लो.
लेकिन अगर वो चीज नहीं दी है तो जाहिर है आपको लेंस फॉर्मूले की हेल्प लेकर उसको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ सकता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेंस फॉर्मूला आपको पता है, आप उसकी वैल्यूज लगाइए, साइन कन्वेंशन यूज कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। सो मल्टीप्लाइंग बाई एफ ओ ऑन बोथ साइड वी गेट द फॉर्मूला एम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ वाई एफ ई बाय टाइम्स वन प्लस एफ ई ओवर डी। सो दिस इज द होल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप when image is formed at the least distance of distinct vision. Also, it is to be noted that in this case, capital M is larger than the normal adjustment position. Okay, so better यही है कि आप astronomical telescope को कुछ इसी तरह adjust कीजिए कि image should be formed at the least distance of distinct vision, so you can observe the object very clearly and finely refined. Now, one more type of astronomical telescope is in your syllabus, that is reflecting type of telescope. Reflecting type of telescope is made because of the large aperture lenses are practically impossible to fabricate. Okay, lenses is like a crystal, so crystals mein chuki defect aane ki possibility hoti hai. So that why we used parabolic reflecting mirrors or spherical mirrors to avoid that type of difficulties, and we made a reflecting type of telescope. So Newtonian telescope भी इसको कहते हैं, reflecting type telescope भी कहा जाता है। तो इस telescope में basically एक concave mirror use होता है। यहाँ पर spherical concave mirror use किया है, कहीं कहीं पर parabolic mirror भी use करते हैं। दोनों का उद्देश्य यही है कि हमें बड़े aperture के lens ना बनाने पड़े, हमारी जो image बने उसमें किसी भी टाइप का क्रोमेटिक एबरेशन ना हो, किसी भी टाइप का स्फेरिकल एबरेशन ना हो। प्लेन मिरर की हेल्प से आईपीस भी यूज करते हैं और इस वजह से आप इसका सेटअप अभी आपके सामने आएगा। सो सपोज देयर इज अ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार, आप फिर से एक बार देख लीजिए कि किस तरह इसकी इमेज को फॉर्म करते हैं। ओके, सो सपोज तो जैसी लाइट आती है इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रिफ्लेक्टिंग जो हमारा कॉनकेव मिरर है उस पर इंसिडेंट होती है और वो फोकस कर देता है उस लाइट को प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आईपीस में हमें जो हमारी इमेज है, फाइनल इमेज, वो दिखाई देती है कुछ इस तरह, ये इस तरह। तो ये एक फॉर्मेशन है न्यूटोनियन टेलीस्कोप की, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। इसका कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में है, रे डायग्राम अक्सर बनाने को आ जाता है, लेकिन जो इसका मैग्नीफाइंग जो पावर है, जो मैग्निफिकेशन है, वो बिल्कुल वही है जो एक किसी नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का होता है, दैट इज एफ ओ बाई एफ ई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन के लिए ही हम इसको बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ये हमारा एक अगला टॉपिक है जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू लर्नर्स।